माइक्रोवेव ओवन। इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के भारत में 5.5 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 2029-30 तक इसके यूजर्स की संख्या, इसके उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या 8 से 10 करोड़ पार कर जाएगी। अब मैं अचानक माइक्रोवेव ओवन की बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि फिलहाल हर तीसरे चौथे घर में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है, जो खतरे से खाली नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी की ताज़ा रिपोर्ट में माइक्रोवेव ओवन के हैरान कर देने वाले खतरे सामने आए हैं। क्या हैं वो खतरे और क्या हैं इसके बचाव के रास्ते, द सूत्र के खास सेगमेंट खबर काम की, इसमें देखिए हमारे साथी अतुल द्विवेदी की ये रिपोर्ट। आजकल जिन्हें मॉडर्न घर, या इसे मैं और स्पेसिफाई कर दूं तो मॉडर्न किचन में माइक्रोवेव ओवन सबसे आम है। आपको भारतीय शहरों में मौजूद घरों में माइक्रोवेव ओवन देखने को मिल ही जाएगा, बस टाइम सेट किया और थोड़ी देर में मनपसंद की डिश बनकर तैयार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका माइक्रोवेव ओवन न जाने कितने तरह के बैक्टीरिया का घर भी है? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो माइक्रोवेव ओवन को अच्छे से साफ करते हैं, हमारा माइक्रोवेव ओवन पूरी तरह सुरक्षित है, तो आप भी गलत सोचते हैं। हाल ही में की गई एक स्टडी बताती है कि माइक्रोवेव ओवन में 100 से भी ज्यादा किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे जीव होते हैं जो सबसे मुश्किल माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं और पनप भी सकते हैं। मतलब ये जीव हाइड्रोथर्मल वेंट, सब जीरो अंटार्कटिका बर्फ और पृथ्वी के क्रस्ट को कुचलने वाले दबाव में भी जिंदा रह सकते हैं, और यही एक्सट्रीमोफाइल्स अब माइक्रोवेव ओवन में पाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन के अंदर का रेडिएशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैदा होने के लिए माकूल नहीं लगता, लेकिन रिसर्चर ने 7 अगस्त को फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी में रिपोर्ट दी कि कई अलग अलग जगहों पर माइक्रोवेव ओवन से लिए गए स्वाब, यानी माइक्रोवेव ओवन में मौजूद फूड मटेरियल में 100 से ज्यादा बैक्टीरिया के स्ट्रेन की पहचान की गई है। और ऐसा नहीं है कि ये माइक्रोवेव ओवन सिर्फ घर में यूज हो रहे थे। जिन माइक्रोवेव ओवन से सैंपल लिए गए उनमें से कुछ किचन में, कुछ लेबोरेटरी में और कुछ कैफेटेरिया में यूज किए जा रहे थे। रिसर्च टीम का कहना है कि ये साफ नहीं है कि ये बैक्टीरिया माइक्रोवेव ओवन में कैसे जिंदा रहते हैं। बैक्टीरिया ने हाई टेम्परेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माहौल में खुद को जिंदा रखने के लिए कैसे ढाला, इसे लेकर टीम अभी भी रिसर्च कर रही है। जो बैक्टीरिया माइक्रोवेव ओवन में पाए गए उनमें प्रोटीओबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया जैसे कई बैक्टीरिया शामिल थे। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बैक्टीरिया आपको कितना बीमार कर सकता है, लेकिन आपको ये जरूर बता देते हैं कि आप माइक्रोवेव ओवन की सफाई कैसे करें जिससे आप और आपका माइक्रोवेव ओवन बैक्टीरिया से बचा रहे। तो इसके लिए नियमित तौर पर ब्लीच सॉल्यूशन या बाजार में मिलने वाले डिसइंफेक्ट यानी कीटाणु नाशक स्प्रे के साथ साथ माइक्रोवेव ओवन को साफ करना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में से खाने के टुकड़े हटाने के तुरंत बाद इसे नम कपड़े से भी पोंछना चाहिए। तो कुल मिलाकर सुविधाएं हैं तो उनके साथ थोड़ी परेशानियां भी हैं। सावधानी बरतें तो हर मुश्किल से बचा जा सकता है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।